कर रहे बोल के बताए। विभव कुमार जो उनका पीएस है उनको असल्ट किया था, एलिगेशन किया था स्वाति मालीवाला ने, वो बताया कि अरविंद केजरीवाल ही उनको प्रोटेक्ट कर रहे बोल के बताया। देखो भाई, अरविंद केजरीवाल उनके पार्टी का मामला है, कोर्ट अब ऑलरेडी कॉग्निजेंस लिए है और कोर्ट में अब क्या फैसला वो लोग देंगे और FIR में क्या क्या डालेंगे वो देखकर आगे कानून अपना काम करना चाहिए, चाहे केजरीवाल रहने दो चाहे दूसरा भी रहने दो, कानून छोड़ के कोई उसके ऊपर नहीं है, संविधान के ऊपर कोई नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी करना है तो रूल्स के मुताबिक हम लोग चलना चाहिए। तो ये वो लोग करना चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो, लॉ को रेस्पेक्ट देना चाहिए और उसके तहत चलना चाहिए। सर, आपका ये स्टेटमेंट है, यूनाइटेड अपोजिशन विल फॉर्म ए स्टेबल गवर्नमेंट फॉर 10 ईयर्स, कुटुंबवाद कहाँ है भाई? कुटुंबवाद बोलो ना, ये प्रधानमंत्री है, ये मिनिस्टर है, ये फलाना है, बोले अब उनके पास कितने लोग नहीं हैं, वो क्योंकि इनों फिरते हैं लड़ते हैं इसलिए इनको बोल रहे हैं आप। हालांकि इनों मैंने कहा कि 89 से कोई पावर में नहीं है, है सो पावर मैडम सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को सुपुर्द किया, एक बार नहीं दो बार, तुम तो लड़ रहे हो ना, बनने के लिए लड़ रहे, उनको सब लोग बनो बोले तो नहीं बने हो, ये सैक्रिफाइस है भाई। डोंट कंपेयर विद मोदी विद नेहरू, मोदी विद सोनिया गांधी, मोदी विद मनमोहन सिंह, दे आर ऐसा कुत्ता, सोना चांदी मटन चिकन ऐसा बात कभी नहीं करे। सर, अभी स्वाति मालीवाल केस और पीएम इसके ऊपर बोल रहे हैं कि बेवजह वोट मुस्लिम वोट बैंक के लिए स्टेटमेंट ये किया बोल के बता रहे हैं। देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है उसके ऊपर हम कमेंट नहीं, हाई कोर्ट बिकॉज वो ऐसा है कि कोई कोर्ट भी जो जजमेंट देता है तो उसके ऊपर हम कमेंट नहीं करेंगे। अगर अपील में जाते हैं, फाइनल जजमेंट अगर आता है तब उस वक्त हम बोलेंगे भाई ये गलत है ये सही है, अब बीच में बोलना ठीक नहीं लगता। एक और दूसरी चीज, जो भी बैकवर्ड क्लास का शेड्यूल कास्ट का अगर लिस्ट बनाना है तो पहले वो स्टेट असेंबली से आता है, फिर उसके बाद कमीशन के पास जाता है, अगर बैकवर्ड का है तो बैकवर्ड कमीशन, अगर शेड्यूल कास्ट का है तो शेड्यूल कास्ट कमीशन, अगर शेड्यूल ट्राइब है तो शेड्यूल ट्राइब के कमीशन के पास जाता है। वहाँ पर जो सोशियोलॉजिस्ट रहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहते हैं, हिस्ट्री पूरा देखकर वो निर्णय देते हैं, कभी कभी गलत भी हो जाता है तो हाई कोर्ट कोर्ट को जाके लोग कैंसिल कर लेके आते हैं। तो ये मामला उन्होंने लीगली किया इलीगल किया मुझे मालूम नहीं, वेस्ट बंगाल में, और इन्होंने किस आधार पर इसको कैंसिल किया वो देखना पड़ेगा, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि बैकवर्ड हो शेड्यूल कास्ट हो ट्राइबल हो उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सही लोगों को मिलना चाहिए। अब गलत लोग भी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, गलत लोगों को भी प्रेशर में इंक्लूड कर रहे हैं, और कहीं भी गए तो आप लोगों को हम वो देंगे ये देंगे ये सब बातें चल रहे, लेकिन अब उस पर कमेंट नहीं करता, इलेक्शन होने के बाद बोलूँगा। सर, मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस कैंसर जैसा है, जातिवाद होमवाद से भी कुटुंबवाद जो है में रहने के लिए भगवान ने ये दिया आशीर्वाद दिया है, माँ गंगा ने उसको बुलाई है और वो बोल रहे हैं कि 47 तक उन्होंने 47 का शाश्वत भी रहेंगे, अगर क्योंकि कहीं समंदर में डूबते हैं, कहीं गंगा में डूबते हैं, कभी गुहा में जाते हैं, कभी अकेले तपस्या करते हैं, उस तपस्या का फल अगर उनको मिलने वाला है तो मुझे मालूम नहीं। मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ, काम करे तो
पेट को खाना मिलता है, ये हमारा प्लान है। अगर आप अच्छा काम किए रिजल्ट अच्छा रहता है, इफ़ यू डू गुड थिंग गुड रिजल्ट विल बी देयर, इफ़ यू डू बैड थिंग बैड रिजल्ट विल बी देयर। अगर उनको बुरा करके अच्छा रिजल्ट मिलता है तो उनको छोड़े। अगर हम बोल रहे हैं भाई ये विष है, दिस इज ए पॉइजन, डोंट टच इट, नो नो वेदर इट इज ए पॉइजन और नॉट, जस्ट आई विल लीक, थोड़ा चाट के देखता हूँ अगर कोई बोला तो व्हाट विल बी द रिजल्ट। सो लाइक दैट मोदी उनकी बात अनुपम रन दो कुछ भी रन दो, हम मजबूत है। इंदिरा गांधी जी पहले से सब कुछ कर रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सब किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे ज़माने में खुले हैं, ये सब तैयार करके हमारे पास रखे सो है पहले से यूज। यू नो ऐसा पाकिस्तान का नाम उनका नाम बोल के डरने वाले हम लोग, देश के लिए हम सब लड़ते रहेंगे लेकिन मोदी जैसा वोट के लिए नहीं।